बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज की रात और इसके मुतल्लिक नवाफिल से कुरान पाक और हदीस शरीफ में कुछ भी बयान नहीं आता, लेकिन अल्लाह के वलियों ने इसे बहुत ही नज़दीक से परखा है और इसके मुतल्लिक अपनी किताबों में बेशुमार फजीलत लिखी है। शब मेराज के नवाफिल की फजीलत बेहिंतहा लिखी है। अल्लाह के वली लिखते हैं, उलमा लिखते हैं इसके बारे में, जो कोई शख्स शब मेराज की रात नफिल नमाज 12 रकत अदा करता है, पहले अलहम्द शरीफ और उसके बाद कोई सी भी सूरत, 12 रकत नमाज दो दो रकतें करके नफल नमाज 12 नफल अदा करता है और उसके बाद पढ़ता है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 मर्तबा ये आयत पढ़ता है और 100 मर्तबा अस्तगफार और 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, और जो कोई जायज़ दुआ अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला वो कबूल करता है। और नवाफिल के मुतल्लिक रवायात में आता है कि जो कोई शख्स नवाफिल एंड वाले 3 जो दिन हैं, रजबुल मुरज्जब के 3 आखिरी दिन के रात में अय्याम करता है नवाफिल का, अल्लाह ताला उसे 100 साल नवाफिल का सवाब देता है। कितनी बड़ी बात है। हमें भी चाहिए आखिरी 3 दिन, 27 रजबुल मुरज्जब ये मखसूस नहीं, लेकिन आखिरी 3 दिनों में अगर आप यही 3 दिन हर रोज़ रात का क्याम कर लें, सिर्फ 12-12 नफल अदा कर लें, तो अल्लाह ताला हमें 100 साल के नफल का सवाब देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।